प्रथम तहलका न्यूज। फरीदाबाद में कांग्रेसियों ने करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज और बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सरकार बेवजह किसानों का गला घोटना चाहती है। सरकार किसानों पर क्यों दबाव बना रही है? पिछले 9 महीने से किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार मानने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर सरकार आम आदमी को महंगाई के बीच दबाकर उन्हें मारने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज किसानों पर अत्याचार हो रहा है। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। इसी के विरोध में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। जन विरोधी फैसले पे फैसला किया जा रहा है। जब तेल का क्रूड का रेट $40 पर बैरल था, उस वक्त के रेटों को अगर आप देखें और आज के रेट को देखें तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, आज गैस के 25 रुपए आज से और बढ़ा दिए, यानी दुगने से ज़्यादा हो गए गैस के रेट। आम आदमी जो इस वक्त कोरोना का मारा हुआ है, जिसकी आमदन कम हुई है, उनको बजाय सहायता देने के ये उनको और निचोड़ते जा रहे हैं ताकि इनके पल्ले कुछ ना रहे। गरीब मरेगा तो देश कहाँ से बच जाएगा? आज जिस तरीके से देश की दुर्गति हो रही है, अगर आप एज इंडिविजुअल प्रेस को छोड़ के भी अगर आप एनालाइज करें तो आपको लगेगा कि सरकार एक दिन भी टिकनी नहीं चाहिए। आज किसान पे जुल्म हो रहा है। 9 महीने हो गए किसान बैठा है। मैंने परसों भी टीवी में इंटरव्यू में ये कहा था कि ये कहते हैं हम किसान के भले के लिए कर रहे हैं, किसान कहते हैं हमारा नुकसान है। आप मुझे कहते हो ले लो, मैं कहता हूँ नहीं लेता। आप ज़बरदस्ती लोगे क्या? आज सरकार की यह हालत है कि कुछ लोगों को उसको उनके घर भरने के लिए, उनके खजाने भरने के लिए गरीबों की जो है ना मिट्टी खराब करके रख दी है। किसी हालत में भी ये सरकार रहने के काबिल नहीं है। ये बदकिस्मती देश की कि हम लोग बहुत बटे हुए हैं ग्रुपों में, पार्टियों में। नहीं तो अगर आज इकट्ठे हो जाएं, जो सोनिया जी की मेहनत चल रही है, तो आप देखना कल ये इनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके पाप ही इनको लेके दूर भगा के ले जाएंगे, ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे। सर कोई ज्ञापन भी देंगे आप किसी को? जी किसी को ज्ञापन भी देंगे? ज्ञापन देना है, कहाँ गया हो? किसके नाम ज्ञापन है? गवर्नर को देंगे, क्या है उस ज्ञापन में? गवर्नर को देंगे, लेकिन ज्ञापन में मांग क्या है आपकी? किसानों पे अत्याचार के खिलाफ दरअसल देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर हरियाणा में विपक्ष ने सत्ता पक्ष की सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में एक बार फिर पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों ने सरकार को घेरने के लिए विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।